खुफिया इतला मिलने पर स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन के एहलकारों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर जेडी मिटला एक्सर रोड घटकेसर पर एक ऑटो को रोका और एक बदावत रवि साकिन सितामपेटा बंजारा गांव सुजाता नगर मंडल भद्रादरी को तगड़म को कॉन्ट्राबैंड गांजे की नकल व हमल में मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये भद्राचलम से जहीराबाद तक गैर कानूनी रकम हासिल करने के लिए गांजे की मुंतकली कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 102 किलोग्राम गांजा एक ऑटो और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया जिसकी कुल मालियत 20,50,000 रुपए बताई गई है। राजकोंडा के स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और लोकल पुलिस ने दो सेपरेट इंसिडेंट में गांजा तकरीबन 222 केजी गांजा 2 लीटर हाशिश ऑयल सीज किया है। जो पहला केस है वो भुवनगिरि टाउन का है जिसमें अराकू विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से यहां पे हैदराबाद में गांजा का सप्लाई हो रहा है। एक केस में तकरीबन 120 केजी गांजा और 2 लीटर हशीश ऑयल यहां पे सीज हुआ है। भुवनगिरि टाउन इंस्पेक्टर और भुवनगिरि के पुलिस और एसओटी मलकाजगिरी टीम ने एक स्विफ्ट कार सीज करते हुए उस कार से उनको ये सामान मिला है। इस गैंग का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है श्रीराम नरसिंहाचारी और इसके खिलाफ में 2004 से तकरीबन 54 केसेस जो खासकर हाउस बर्गलरी के केसेस इसके खिलाफ में नमूद है। इसके साथ और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 6 लोग इसमें फरार है। दूसरा जो वारदात है वो घटकेसर पुलिस स्टेशन संबंधी, घटकेसर पुलिस और हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी ने एक ऑटो रिक्शा को इंटरसेप्ट करते हुए उस ऑटो रिक्शा से 102 केजी गांजा सीज किया है। ये गांजा जो है चिंटूर ईस्ट गोदावरी जिला से भद्राचलम होते हुए यहाँ हैदराबाद जहीराबाद से बिदर या फिर महाराष्ट्र मुंबई को सप्लाई किया जाता है। इस केस में जो बदावत रवि करके एक्यूज को अरेस्ट किया है वो भद्रादरी और कोत्तागुड़म जिला सुजातनगर मंडल का रहने वाला है और इसके खिलाफ इससे पहले चिंतूर पुलिस स्टेशन में एक केस पेंडिंग है जिसमें अरेस्ट नहीं हुआ है और एक फॉरेस्ट पुलिस में भी पेंगोलियम स्कीम के केस में इसको पहले अरेस्ट किया हुआ है। 4 जो इसमें और मुख्य आरोपी है वो फरार में है। इसमें सुरेश करके जो सप्लायर है गांजा का चिंतूर का और जो डेस्टिनेशन जो गांजा को फाइनेंस कर रहे परचेस कर रहे वो भानुदास रमेश ये दोनों जहीराबाद के रहने वाले और शाहीन करके मानखुर्द मुंबई का रहने वाला ये 4 शख्स अभी फरार है। उनके लिए हमारी तलाश जारी है। ये अच्छे काम के लिए अंजाम देने वाले हमारे एसओटी मलकाजगिरी टीम के इंस्पेक्टर रवि कुमार, डीसीपी मुरलीधर, घटकेसर इंस्पेक्टर चंद्रबाबू और भुवनगिरि टाउन इंस्पेक्टर भुवनगिरि डीसीपी नारायण रेड्डी, डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति, एसीपी